नथुलाल जी, अब मुझे प्लीज इजाजत दीजिए। देखिए, अब मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। प्लीज, मेरी बहुत जिम्मेदारी है, और आप अगर चाहें तो मैं कुछ पैसे देने चाहता था। मैं जानता हूं कि इन पैसों से आपके आपके दामाद की जान वापस नहीं आ जाएगी, लेकिन फिर भी तुम सोचो तो कि पैसा देकर हमारी चुप्पी खरीद सकते हो। अब नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था। जाने कैसे थे तुमका? कौन गारंटी है कि तुम वापस आओगे? माँ जी, मैंने आपको अपना अपना कार्ड दिया था ना। अरे, वो कार्ड झूठा भी तो हो सकता है। हमको कुछ और चीज दो जिससे हमको विश्वास हो कि तुम वापस आओगे। अच्छा ठीक, ये लीजिए, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। अब इसे लेने तो मुझे आना ही पड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है गुंजन, क्यों चिंता कर रही हो बेटा? कल रात को तुम्ही ने हमसे कहा था ना परेशान ना होने को, और अब तुम ही परेशान हो रही हो। माया कहाँ जाएगा बेटा? आओ अंदर चलो। मौसीमा आप चलिए, मैं पौधों को पानी देकर आती हूँ। जल्दी आना। कल रात तुम मुझे भूल गए ना? तुम्हें पता है मैंने क्या क्या प्लान किया था, और तुम हो के आए ही नहीं। अच्छा वो सब कुछ हो, बताओ काम ठीक से हो गया ना? कितने थके हुए लग रहे हो, कुछ खाया कि नहीं? मैं लाऊं? तुम एक काम करो, आज तुम आराम करो और सो जाओ। आज की इस रात का तो हम 10 साल से प्रतीक्षा किए हैं। ये देखिए ना, और लेट मी सी, ओ वाओ, स्प्रिंग कलेक्शन पे काम चल रहा है। इंप्रेसिव। हे कबीर, तुम्हें मेरे लिए एक ड्रेस डिजाइन करना है। मेरे पास सभी डिजाइनर लेबल्स की लेटेस्ट ड्रेसेस हैं, सिवाय केटी क्रिएशंस के। सैड ना? मिस गर्ग, सोनल के लिए कुछ डिजाइन करो। कम ऑन कभी डार्लिंग, इसे देखो और मुझे देखो, भला इसे मेरे टेस्ट के बारे में कैसे पता होगा, है ना? मुझे तो एक ऐसा डिजाइन चाहिए जो मेरी पर्सनालिटी और मेरे स्टैंडर्ड को मैच करे। इसीलिए मेरे लिए ड्रेस तुम डिजाइन करोगे। अब बस मैंने बोल दिया, दैट्स इट। सोनल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम पे इंडियन ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी। मिस गर्ग, एक काम कर, सोनल के लिए एक सलवार कमीज डिजाइन कर, जिसे पहनकर कल को तुम हमारे लिए मॉडल भी कर सकती हो। इसके लिए कभी तुम्हें मेरी डेट लेनी होगी। चेक करो मेरे पास टाइम है कि नहीं तुम्हारी ड्रेस को रैंप पे मॉडल करने के लिए। या yeah?